तो आज की हमारी इस क्लास में हम बातचीत कर रहे हैं आपके साथ बीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग, और बीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग की हम सेकेंड प्रोजेक्ट पे डिस्कस करेंगे जो कि सीड से रिलेटेड है। एक बार प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं क्या है। बेसिकली हमें 365 सीटों का डेटा के लिए हमें उसका सीट तैयार करना है। मतलब कि एक ड्राइव मैं दूंगा, जैसे मैंने जी ड्राइव के अंदर मैंने 2022 दे दिया या दो जी ड्राइव ही दे दिया, तो उसमें 12 फाइल बननी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 करके 12 महीनों का 12 फाइल। अब महीने पहला महीना क्या है, वन है या जैन है, वन भी कर सकते हैं जैन भी कर सकते हैं, फिलहाल हम वन समझ लेते हैं। तो वन है, इस वन मतलब कि जैन। तो जैन के अंदर कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, वो होते हैं 31। इसके अंदर 31 सीट होंगे, और सीट वन सीट टू सीट थ्री नहीं, सीट का नाम 1 2 3 4 में 31 तक होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट है हमारा। चलिए सबसे पहले हम फाइल बनाते हैं। तो यहां पे मैक्रो हमने डिक्लेयर किया, यहां पे सेकंड प्रोजेक्ट के नाम से, और यहां पे हम देते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइल क्रिएट करना है। तो फाइल क्रिएट करने का कोड इसमें बताया था आपको कि हम देंगे workbooks.add, workbooks.add, और उसी को सेव कर देना है। तो सेव एज, और एक लोकेशन देना है जो कि जी ड्राइव के अंदर 2022 मान लीजिए, ठीक है सर, जी ड्राइव के अंदर 2022, और फाइल का नाम है 1.xlsx, राइट सर। हाँ तो ये फाइल क्रिएट हो गया, लेकिन ऐसी मुझे 12 फाइल क्रिएट करनी है। तो इसके लिए दो तरीके। पहला तरीका है कि मैं कॉपी करूं और इसी को कॉपी पेस्ट करते जाऊं, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 करते जाऊं, लेकिन ये लेंदी होगा, फिर आगे चल के नीचे चल के भी प्रॉब्लम होगी, फिर सीट ऐड करने में 31 सीट है तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लूप, मुझे इस कोड को 12 बार रन करना है ना सर। तो हमारे पास एक लूप होता है, उस लूप को समझ लीजिए, मैं एक अलग दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे MSG बॉक्स में हाई लिखता हूं, राइट सर, हाँ मैं चाहता हूं कि जो हाई है मुझे 3 बार दिखे। तो मेरे पास दो दो चीजें होगी। पहले मैं इस कोड को 3 बार रिपीट करूं, ठीक है, तो 3 बार मुझे रन करने पे 3 बार आएगा, 1 2 3। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, क्योंकि 30 होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पे हमने इसी को 3 बार रन करना है। तो हमारे पास फोर लूप होता है कि फोर आई इक्वल टू 1 2 3 और नेक्स्ट आई। तो यहाँ पे फोर और नेक्स्ट के बीच में जो भी आप लिखेंगे वो उसको 3 बार रन करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग में 3 दिया हुआ है। आई क्या है, आई काउंटर है, काउंट रखता है कि कितना बार चल चुका है। आई आई ही लिखना है अपने को, और आई फिर के लिए वेरिएबल आप यूज कुछ नहीं लिख करना। सकते हो, एक्स वाई जेड के, अपने गर्लफ्रेंड का नाम, सब कुछ लिख सकते हो आप, अच्छा ठीक है। दिस इज द वेरिएबल, जैसे हमने कल ABCD लिया था ना, YMD लिया था, जस्ट लाइक यही है, समझे। तो इसमें फॉर आई इक्वल टू 1 2 3 और नीचे मैसेज बॉक्स हाई। हाँ, मतलब कि आपको फोर और नेक्स्ट के बीच में जो लिखना है लिख सकते हैं, जो टाइप जो कोड देंगे वो कोड को उतना बार रन करेगा जितना आपने फोर को बोला हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला बार चला, दूसरा बार, तीसरा बार, हो गया। अब आई क्या करता है, आई काउंट रखता है, एक वेरिएबल है। तो यहां मैं आई यहाँ पे अगर मैं कुलेट कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पे हाई वन, ठीक है सर, हाई टू, हाई थ्री, समझे। ये मुझे ना जैसे कि इसमें अब आई की जगह और कुछ लिखना है, तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यहां पे दे इसको। दीजिए आप के लिख दीजिए, यहां पे के हो गया, नहीं, मैं क्या हाँ बोल रहा हूँ सर कि ये फॉर जो स्टार्ट है, ये फॉर और नेक्स्ट में ये हमेशा रूटीन करता है। इसमें मेरा क्या क्वेश्चन है कि ये इसको सिस्टम को कैसे मालूम पड़ा है कि 3 बार रूट करना, कि ये मतलब मैंने यहां पे लिखा था दिया ना, ना। हमने क्या बोला, फोर आई इक्वल टू 1 2 3 लिखा ना हमने सर, यहां पे अच्छा आप यहां नहीं देख रहे हैं, 1 2 3 लिखा है ना सर। ठीक है,
इसका पैटर्न है कि आप फोर दीजिए, वेरिएबल दीजिए जो काउंटर होगा, और इक्वल टू लगा के इसके ऊपर अपना स्टार्टिंग एंडिंग डाल दीजिए, समझ गए? और फिर जहां आपको फोर को खत्म करना है वहां पे नेक्स्ट डाल दीजिए। तो ये कैसे फंक्शन करता है देखिए, मैं एफेट होता है हमारे पास डिवर्ग में, एफेट होता है, एफेट क्या होता है, स्टेप इनपुट, एक ही लाइन बाय लाइन चलता है। तो लाइन पहला चला के, अब देखिए के क्या हो गया, वन हो गया, वन हो गया ना, फिर इसने कोड को चलाया, फिर कोड चल गया यहाँ पे, फिर नेक्स्ट ने क्या देखा, नेक्स्ट क्या करेगा, चेक करेगा कि के ऊपर वैल्यू और यहां लास्ट में चली गई वैल्यू क्या बराबर है या बड़ा है, अगर नहीं छोटा है तो फिर वापस भेजेगा और के अपना रिजल्ट चेंज करेगा। कर दिया सर, टू हो गया वन से, फिर रन हुआ कोड हमारा, और फिर यहाँ पे क्या आया, नेक्स्ट, नेक्स्ट फिर चेक करेगा कि जो यहाँ तीन डली हुई है वो के बराबर है, बड़ा है नहीं छोटा है तो चलेगा, फिर कोड चला, फिर के ने अपना रिजल्ट चेंज किया, के थ्री हो गया, फिर वापस यहाँ पे आया और यहाँ पे नेक्स्ट ने फिर चेक किया कि के पे डली मान वो थ्री के बराबर है, बराबर है तो फिर चलना है, बड़ा है सॉरी बड़ा है तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। जैसे ही थ्री से वही वैल्यू के पे स्टोर होगी कि और नेक्स्ट अपना लूप को फिनिश कर देगा, ठीक है, ठीक है। तो लिखने का पैटर्न सिंपल है, यहाँ पे फोर आप लिखेंगे, यहाँ कोई वेरिएबल देंगे इक्वल टू लगा के स्टार्टिंग और एंडिंग अपना डालेंगे, और फिर जहां पे कोड आपका खत्म होगा वहां पे आप नेक्स्ट डाल, ठीक है, क्लियर है जी। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लगा दिया फोर आई इक्वल टू चले 1 to 12, फिर नेक्स्ट आई, एक मिनट, सॉरी सर, तो यहां पे एंड कर दिया। अब यहां पे मैं करता हूं एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज और यहां पे ट्रू, ठीक है सर जी, समझे। और लास्ट में मैं कर देता हूं एम एस जी बॉक्स जॉब इज डन, राइट सर, मैसेज बॉक्स करना ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ खत्म हो गया। अब इसको मैं यहां से रन करूं, एक ऑलरेडी एग्जिस्ट है, एक वो नाम चेंज करना पड़ेगा ना, वो हाँ हाँ नाम चेंज करना पड़ेगा, यहाँ कैंसिल करना नहीं आता है ना, तो नाम चेंज थी, यहाँ पे क्या करना होगा, आई देना होगा, हमने यहाँ पे आई कर दिया, समझ गए। अच्छा यहाँ पे भी वो आई के पकड़ लेगा, हाँ आई वेरिएबल है ना, कहीं भी पकड़ लेगा, जैसे यहाँ पे देखिए नीचे के नहीं दे दिया, यहाँ पे मैसेज में के डाल दिए थे, जहां आपको सिक्वेंसली 1 2 3 4 नंबर की जरूरत पड़ेगी वो आप वहां पे आई का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं एक बार करता हूँ इसको क्लोज कर देता हूँ इसको, और मैं आता हूँ 2022 में, वन पहले से इसको डिलीट कर देता हूँ, अब यहां पे इसको रन करता हूं, अभी जो पॉपअप दिख रहा है ना, आप चाहते हैं पॉपअप भी ना दिखे, पता चले कि बैकएंड में काम हो, फ्रंट में क्या काम हो रहा है हमें नहीं पता, हमें नहीं दिखाना है, जो भी डॉन आ गया जी, आप ऊपर में आप लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, वो स्क्रीन में क्या हो रहा है वो नहीं दिखाएगा जी, पर आप देखिए 2022 में 12 फाइल होंगे, हाँ अभी इसमें ही जैसे कि 1 2 3 से बनाए, अगर हम इसको जैन फेब का नाम देना है तो जैन फेब को नाम देना है तो फिर आपको यहाँ पे मंथ नेम का एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मंथ नेम 1 2 3 को
यहां पे मैं कर देता हूं फॉल्स। 1, 2, 3 को क्या करता है, जैन फाइव मार्च में कन्वर्ट करता है। देखिए इसको रन करता हूं, अगर स्कीम रेडी फॉल्स है तो कुछ दिखेगा नहीं आपको। जॉब इज डन। आप देखिए यहां पे जनवरी फरवरी मार्च आ गया। अब जैन फैन करना है तो आपको बुरा दिया, तो इसमें आपको ट्रू के जगह फॉल्स के जगह ट्रू कर दीजिएगा तो जैन फैन आएगा। समझे? शॉर्ट में नहीं आएगा, कहना चाह रहे ना? हाँ जी, क्लियर है जी। चलिए तो एक हमारा 50% तो हो गया, हमने 12 फाइलें तो बना दी जी। अब बात आती है 12 फाइलों के अंदर में सीट ऐड करना। तो एक्टिव वर्कबुक क्लोज से ऊपर हम कोड इसी में डालेंगे, तो हमारे पास पहले पता करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है। तो एक्सेल में आकर मुझे पता करना होता, कैसे पता करेंगे? देखिए पता करने का हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे मंथ है 1, राइट? तो मैं यहाँ पे डेट का फॉर्मूला लगाऊंगा, 2022 डालूंगा मंथ में, इसको सिलेक्ट कर लूंगा और डे डाल दूंगा 1, ठीक है? ये डेट बना देगा, बना दिया डेट जी। और इसी डेट को अगर मैं यहां पे ईओ मंथ दे देता हूं तो क्या हो जाएगा, ईओ मंथ 0 दे दूंगा तो इस महीने की लास्ट डेट पता चल जाएगी जी। और मैंने कल बताया था कि हम डे का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर पता चल जाएगा, नंबर पता चल जाएगा। तो हमें सिर्फ ए वन हमें कौन दे रहा है, 1, 2, 3, 4 हमें आई दे रहा है ना सर? 1, 2, 3, 4, 5 हमें आई दे रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक मिनट सर, तो यहाँ पे हमने डाल दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एच सेम चीज करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि डेट का फॉर्मूला तो एक्सेल में करेंट सिस्टम डेट देता है क्या सर? करेक्ट। डेट का सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे आता है डेट सीरियल। तो यहाँ पे हमने डी का एक ले लिया ऐसी वेरिएबल और यहाँ पे हमने कर दिया डेट सीरियल, ठीक है? डेट सीरियल और इसमें 2022 और यहां पे देंगे आई और देंगे 1, तो क्या हो गया ये सर, ये डेट बना देगा 1 जैन 1 फाइव 1 मार्च जैसे कि यहां बनाया, ठीक है सर जी। अब यहां पे अगेन डी, अब प्रॉब्लम है कि ईओ मंथ तो नहीं है इसमें एक्सेल में। अब यहां पे एक चीज और नया सीखिए सर, अब कुछ ऐसे फॉर्मुलेज हैं एक्सेल में, देखिए दो चीज तीन चीजें यहां पर समझिए। कुछ फॉर्मूले एक्सेल के फॉर्मूले डायरेक्ट वीवी में सपोर्ट करता है, जैसे ईयर मंथ डे, ठीक है? कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं कि जो एक्सेल में कुछ और काम करते हैं वीवी में कुछ और काम करते हैं, जैसे कि डेट ऐसे। इसके लिए आपको क्या है कि उसका वीवीए का जो अल्टरनेटिव फॉर्मूला है वो ढूंढना आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया टूडे के लिए डेट बता दिया और डेट के लिए डेट सेल बता दिया, समझ गए जी। और तीसरा होता है कि आपके कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ईओ मंथ। तो ईओ मंथ के लिए हमें लिखना होगा एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ, समझ गए? ईओ मंथ अब इस ईओ मंथ में हम दे देंगे डी और इसमें दे देंगे हम 0। ये क्या करेगा, अब यहां पे खुश होने से ऊपर भी डी है नीचे भी डी है तो इसके डेट को इसके एंड डेट से रिप्लेस कर देगा। अच्छा
समझ गए? देखिए वेरिएबल का क्या नियम होता है, मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। एक वेरिएबल का क्या नियम होता है मैं एक अलग बताता हूँ, अलग जगहों पे देखिए। यहाँ पे सब्जेक्ट RR/1 ब्रैकेट ओपन क्लोज MSG बॉक्स और मान लीजिए मैं डी दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए डी इक्वल टू 10 कर दिया, फिर इक्वल टू 10+30 कर दिया, डी प्लस 30 कर देता हूं, मान लीजिएगा डी प्लस 30, ठीक है जी। तो यहां पे देखिए एफिट करता हूं, तो डी हमारा हुआ जो कि 10 है, और देखिए 10 प्लस 30 40 हो गया सर, तो डी का मान 40 हो गया, 40 दिख गया आपको जी। तो इसी तरह से आपने ऊपर डाला फिर नीचे उसी वेरिएबल कोई और चीज डाल देते हो तो रिप्लेस कर देता है उसको। अच्छा, तो यहाँ पे ऊपर हमने डेट सीरियल से स्टार्टिंग डेट डाल दी ना सर मंथ का, तो एप्लीकेशन ने क्या किया इसको कन्वर्ट कर दिया इसके लास्ट मंथ डेट से जी। डी इक्वल टू मैंने लगाया यहाँ पे डे, और डे में हम डाल दिए वापस डी, तो ये आ जाएगा 30। तो फाइनली क्या बचेगा डी पे 30। अब यहां पर लिखेंगे हम शीट्स डॉट एड। अब यहां पे बिफोर आफ्टर को ब्लैंक छोड़ देते हैं, काउंट दिख रहा है सर आपको? तो काउंट में लिखेंगे हम शीट्स डॉट काउंट माइनस डी। ऐसा क्यों किया सर हमने? काउंट से तो मैं कल देख रहा था, तो जितना काउंट लिखता ना उतनी वो शीट ऐड कर देता है। नहीं और... नहीं नहीं अलग चीज बताता हूँ। सीट डॉट काउंट क्या करता है कि तत्कालीन सीट में जितने भी सीट, तत्कालीन फाइल में जितने भी सीट्स है ना उसकी काउंट देता है कि हाँ 3 सीट अवेलेबल है। अच्छा, तो अब मुझे 3 में से माइनस नहीं होगा इसमें, हाँ तो मुझे 3 कम इंसर्ट करना होंगे ना सर, क्योंकि हमें तो पूरा 31 का 31 चाहिए ना सर जी। तो अगर मैं यहाँ पे अगर ये ना माइनस करूँ तो 31 ऐड हो जाएगा, और पहले से 3 ऐड होंगे तो 34 हो जाएंगे ना सीट सर जी जी। इसलिए हमने यहाँ पे सीट डॉट काउंट कर दिया ताकि जितना सीट पहले से है उसको माइनस करेगा फिर जितने सीट ऐड करेगा, और सीट ऐड में बिफोर आफ्टर यहाँ पे काउंट आता है, तो काउंट में जितने सीट आप देंगे उतने सीट वो ऐड कर देगा एक बार। सही है, करेक्ट सर। तो सारे सीट ऐड हो गए जी, कोई दिक्कत नहीं इसमें? नहीं सर। अब जितने सीट ऐड हुए सबको रिनेम करना होगा जी। तो हमने बताया था कि हम सीट का कैप्शन नेम, प्रॉपर्टी नेम और उसके सीक्वेंस नेम से जानते जी। आप लिखेंगे 4i इक्वल टू i, 4i नहीं करेंगे, i ऑलरेडी है तो इसे दूसरा लेना पड़ेगा, ठीक है ना? j, 4j इक्वल टू 1 to d, नेक्स्ट j, और फिर शीट्स। अब यहां पे 1 2 3 4 इसे लिखेंगे सही रहेगा, लेकिन उसके जगह पे हम j लिख देते हैं। J dot name equal to J। अच्छा, ठीक है, क्लियर है जी। अब इसको 1y1 समझिए, एक बार स्क्रीन अपडेटिंग फॉल्स को हटा देता हूं ताकि पता चलेगा आपको क्या हो रहा है। देखिए मैं इसको एफर्ट फिलहाल, अब जो है बिल्कुल आपका कंप्लीट हो गया है प्रोजेक्ट। अच्छा, अब देखिए एफर्ट करता हूं मैं, एफर्ट किया I1 है तो 1 यहाँ पे मंथ नेम से I1 को क्या करेगा कन्वर्ट कर देगा जैन में, और जैन नाम का फाइल बना दिया। अब जाके यहाँ पे देखिए ये जो आपका है ये जैन नाम का फाइल है ना, जैन नाम का फाइल जी। फिर इसके अंदर डेट सीरियल ने क्या किया, डी पे करेंट सिस्टम डेट दे दिया, सॉरी उस आई को लेके इसका मंथ मंथ जोड़ के एक डेट बना दिया स्टार्टिंग डेट, है ना 1 जनवरी। अब इसने क्या किया इसका लास्ट सिस्टम डेट दे दिया, लास्ट डेट दे दिया सॉरी इस मंथ का जी। फिर डी ने क्या किया इसमें से डेज निकाल लिया 31। अब डी, अब सीट डॉट एड डी माइनस 3, क्योंकि 3 सीट है ना सर, कितने सीट ऐड हुए इसमें देखिए 20 सीट ऐड हो गए, 31 सीट इसमें ऐड हो गए, देखिए 31 सीट ऐड हो गया जी। अब 4i to j चल रहा है समझे, तो अब देखिए क्या होगा इसमें, अब इसमें होगा कि एक सीट का नाम 1, इसका 1 कर दिया पहले सीट को
दूसरे सीट को टू, तीसरे सीट को थ्री, क्योंकि जे हर बार मान चेंज कर रहा है ना अपना सर, करेक्ट करेक्ट, तो इस तरह से सीट का नाम चेंज ऐड होते चला जाएगा कहां, कब तक, 31 तक, 31 हो गया जी, आ गया। अब एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज, क्लोज हो गया सर जी। अब आई क्या करेगा, अपना मान चेंज करेगा, टू हो गया, अब इसने टू करके फैब नाम का सीट बना लिया जी, और फिर वही सिस्टम को फिर वापस रीप्ले करेगा, वो दिख रहा है सर जी, और ये कहां तक जाएगा, 28। तो जो काम हमारा घंटों का था अब कुछ सेकेंड्स में हो जाएगा विद परफेक्शन और विद 100% एक्यूरेसी के साथ। तो इसमें आपने क्या चीज समझे, एक तो समझा वेरिएबल को यूज करना, दूसरा आपने समझा कि एक चीज सीखा डेट सीरियल का फॉर्मूला जो कि बीबीएम यूज किया जाता है नंबर्स को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे डेट सीरियल होता है ऐसे आपका ये होता है वीक डे, होता है वीक डे नेम, मंथ नेम, सॉरी डेट सील का फॉर्मूला क्या करता है, सील बनाता है, मंथ नेम का फॉर्मूला मंथ देता है। इसमें दो फॉर्मूले आप सीख लिए, उसको नोट कर लीजिए कहीं पे, ठीक है सर जी। सर ऐसे आपको बीच बीच में फॉर्मूले भी बताना होगा, ऐसा फंक्शन क्लास अलग से चलेगी आपकी। तो आपने मंथ नेम का फॉर्मूला सीखा जो 1 2 3 4 5 को जैन फैम बना देता है, डेट सील का फॉर्मूला सीखा जो कि 1 2 3 4 से एक डेट बनाता है, फिर आपने सीखा कि एक्सेल फॉर्मूले, एक्सेल की जो फॉर्मूलीज है उसको कैसे कॉल किया जाए वीबीएम में जी, ठीक है, ओके सर, यस यस सर। कुछ फॉर्मूले डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद आपने सबसे बड़ी बात सीखा लूप, लूप कौन सा लूप सर, फोर लूप, ये फोर अच्छा, इसका लूप कहा जाता है। अभी मुझे एक चीज समझना है, यहाँ पे आपने ना ये वाले में नेक्स्ट के आगे कुछ लिखा नहीं था, ब्लैंक था, ऊपर वाले में नेक्स्ट के आगे वेरिएबल का नाम दिया था, क्योंकि इसमें मल्टीपल लूप है ना, नेक्स्ट कंफ्यूज होगा कि भाई इसका नेक्स्ट है या इसका नेक्स्ट है। अच्छा अच्छा, इसलिए दिया, इसमें सिंगल नेक्स्ट है, समझ गया, एक ही फोर है ना, इसमें तो कंफ्यूज हो जाएगी ना सर किसका नेक्स्ट है। ठीक है, क्लियर है, यस यस। अब एक कोड मैं आपको भेज रहा हूँ, अभी ट्राई करेंगे या बाद में, मैं इसको ट्राई करता हूँ बाद में, अब मेरे को भेज दीजिए, कोड आपको भेज दिया, ऐसी रिकॉर्डिंग भी आपको मिली जाएगी, सारे कोड भेज दिए, इसमें सारे माइक्रो कोड भेज दिए आपका, यहाँ तक है, ये देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ से लेकर एंड सब तक है, ठीक है, नीचे जो है दो है सब अलग सब है, तो जो मैं समझाया था उसी दिया, भेज दिया मैं, कंट्रोल करके भेज दिया आपको डायरेक्ट, तो यहाँ पे आपको क्लियर है, हो गया, ठीक है, यस। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे अभी एक चीज आपसे पूछना था, अगर अभी हम वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मुझे क्या है ना, जैसे कि एलसी होते हैं, बीजी होते हैं, ठीक है सर, या किसी का एफडी होता है या म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कुछ भी बता दीजिए, उसमें क्या है ना, वो लंबा चौड़ा लिस्ट रहता है, और वो क्या होता है ना, मतलब मंथ में एक्सपायर होने वाला होता है, तो मुझे एक आपसे, मेरे पास है लिस्ट, हो मुझे वो चाहिए कि मुझे जो इस महीने जो भी एफडी, बीजी, एलसी या कुछ भी म्यूचुअल फंड, कोई भी जो इन्वेस्टमेंट्स है, अगर जो भी इस महीने एक्सपायर हो रहे हैं वो एकदम हाईलाइट होके ऊपर आ जाते, तो क्या होता है कभी कभी क्या है ना, लंबा चौड़ा लिस्ट होता है तो वो मिस आउट हो जाता है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ऐसा सर, इसमें वो अभी कर सकते हैं कि बाद में कर सकते हैं, कि जैसा आप बोले, अब मैं रिक्वायरमेंट समझा क्या सर, सर समझ गया, उसके लिए आपको नॉर्मल एक्सेस भी कर सकते हैं, आप फिल्टर का फॉर्मूला लगा कर सकते हैं सिंपल। हाँ फिल्टर, अभी वो फिल्टर का फॉर्मूला तो मैं लगा सकता हूँ कि वो इसमें कोई भी फिल्टर हो, बट गोइंग फॉरवर्ड क्या है ना, मैं उसको थोड़ा सा ऑटो मेल के या ऑटो व्हाट्सएप पे मैं जो क्लाइंट्स होते हैं, हाँ वो तो होगा सर, तो वो अभी ऑटो मेल वगैरह टॉपिक अभी कभी किए ना, ऑटो मेल वगैरह हो जाएगा, अभी टॉपिक किए नहीं है,
थोड़ा सा और सीख लीजिए, ऐसे करने के लिए तो मैं कर दूंगा, लेकिन फिर आपको नहीं, 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 समझ वो मैं समझा सर, वो एक समझा, बट वो जो ऑटो फिल्टर हो रहा था ना कि इस महीने में मतलब मैं उसको ना जो फिल्टर के वेरिएबल है, अभी क्या होता है ना कि अलग अलग क्लाइंट होते, चाहिए तो मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करूँ क्या?